ये अभी मैं क्लास 12 में का एक बैच है, उसमें क्लास ले रहा था, उनको पढ़ा रहा था। ये स्क्रीन पे दिख रहा है जो कुछ भी शेयर किया हुआ है, विजिबल है? यस सर। ये सब तो नहीं पढ़ना है आपको अभी फिलहाल, अभी तो सेल्फ थ्योरी पढ़ेंगे। और आज वाली क्लास का मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, इसलिए क्योंकि इसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो पीडीएफ का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए सब लोग लिखते जाना, ठीक है? कुछ भी छोड़ना नहीं, सब लोग लिखते जाना। सर पीडीएफ अच्छा रहता है नहीं, सर, पीडीएफ नहीं शेयर हो क्योंकि पाएगा वीडियो सर रात को नेट नहीं चलता है, बात नहीं। पीडीएफ इसलिए नहीं शेयर, फिर कुछ पीडीएफ छूट शेयर जाता है करना, सर तो। फिर पीडीएफ अगर शेयर करना होगा ना तो मेरे को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा, व्हाइट व्हाइट पेज पे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जब मैं पीडीएफ लूंगा ना अलग अलग कलर का, तो वो पीडीएफ में ये कलर आता ही नहीं है। जैसे जो मैं व्हाइट से लिखूंगा तो ये दिखेगा ही नहीं पीडीएफ में, ठीक है? इसलिए पीडीएफ बन नहीं पाएगा, फिर मेरे को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में। इस पे थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, पढ़ के देखो ना, लिख लोगे, मैं टाइम दूंगा सब कुछ लिखने का, तो लेजी नहीं बनो आदित्य, अभी से मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, तुम बोलना छूट रहे यहाँ पे। नहीं सर, क्योंकि सर लिखने लगते हैं तो समझ नहीं पाते हैं सर। सब टाइम मिलेगा जी, ऐसा थोड़ी है। देखो सेट मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ जो नए बच्चे, उनके लिए सेट क्या था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मैं ब्रीफ में रिवाइज करा रहा हूँ, उतना मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं, पहले क्लास का मैं एनीवे लेक्चर डाल दूंगा। अभी आप खाली ये समझ लो कि ये सेट है क्या, जस्ट ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराते चलते। तो सेट क्या होता है, इसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, उसका डेफिनेशन होता है। जैसे मान लो मैं बोल दिया नेचुरल नंबर लेस देन टू या लेस देन थ्री, तो इसके अंदर वन और टू आ गया, ये सेट को लिखने का तरीका है। और इसके बाहर में कुछ नाम दे देते हैं कैपिटल लेटर में, ए बी सी ऐसे करके, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, सिंपल। अच्छा, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है डायरेक्ट इसको ऐसा वन टू रिप्रेजेंट कर दिए, या ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इसके अंदर, इस सेट के अंदर एक्स है और एक्स क्या है इसको आगे लिखेंगे, तो ऐसा लिख दो एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन थ्री, ठीक है? या ऐसा लिख दिए एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर कितना आएगा यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू वन और टू ही तो आएगा। तो अभी भी सेट के अंदर एक सी वन और टू ही है ना? इस फॉर्मेट में जब रिप्रेजेंट करते तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस फॉर्मेट में जब रिप्रेजेंट करते तो इसको बोलते हैं टैबुलर या रोस्टर फॉर्म। ये सब आपको नोट्स मिल जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करो, खाली सब सुनते जाओ समझते जाओ, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है? सेट को ये दो तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, सिंपल। और सेट में मैंने कुछ टाइप्स बताया था, जहाँ पे मैंने बताया, अच्छा एक और चीज, एक होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। सेट क्या है, घर है, घर के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हो, वैसे ही मैथमेटिक्स में एक बक्सा है, बॉक्स है, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करें, वो सेट हो गया, ठीक है? अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, तो मान लो जैसे सेट के अंदर वॉवेल्स का सेट बना लिया, ये वॉवेल्स का सेट हो गया, ठीक है? इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स है, पांच ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लो ये सेट ए है तो सेट ए का कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको, सी ए आर डी आई एन ए एल, कार्डिनल नंबर। इसका मतलब होता है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का मतलब केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं, एलिमेंट का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट्स है, कितने ऑब्जेक्ट्स है, तो पांच ऑब्जेक्ट्स है, तो इसका कार्डिनल नंबर फाइव है, ठीक है? जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट होता है उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिसका कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी हो जाए उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे ये क्या है, इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे या इनफाइनाइट, तो फाइनाइट सेट बोलेंगे क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर फाइव है, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच। पर अगर मान लो मैं बोल दूँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स,
तो रियल नंबर कितना होता है, लिखते लिखते थक जाओगे, खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट रियल नंबर सर, 3 by 3 root 3 7 9, लिखते लिखते थक जाओगे, खत्म नहीं होगा। तो ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के अंदर, और इसका कार्डिनल नंबर हो जाता है इन्फिनिटी। ऐसे सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट को नॉर्मली हम क्या करते हैं, कुछ किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे रियल नंबर्स का सेट है, सारे रियल नंबर्स को अगर एक सेट के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, तो उसको आर से रिप्रेजेंट करते, उस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आर लिखते, तो उसको सिंपली हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर कहीं लिखा हुआ रहेगा तो समझ लीजिए रियल नंबर का सेट है, उसके अंदर सारे, उस सेट के अंदर सारा रियल नंबर्स। वैसे ही रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर के लिए क्यू था, है ना, वो सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा किसके लिए क्या हो, उसके लिए चिंता नहीं करो, खाली सुनते जाना। इंटीजर्स के लिए जेड या आई सिंबल यूज करते हैं, होल नंबर के लिए डब्ल्यू, नेचुरल नंबर के लिए एन, ठीक है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर प्लस, नेगेटिव रियल नंबर है तो आई माइनस, पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो क्यू प्लस, नेगेटिव है तो क्यू माइनस, पॉजिटिव इंटीजर्स है तो जेड प्लस या आई प्लस, नेगेटिव है तो जेड माइनस या आई माइनस, दोनों में से कोई एक, ठीक है। पॉजिटिव होल नंबर का, और होल नंबर तो सिंपली होल नंबर है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इतना ही तो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, है ना जी, थोड़ा ही देर क्लास हुआ था, पिछला क्लास में बेसिकली इंटरैक्टिव क्लास था, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो सारा बात किया था, वो मैं आपको अलग से ब्रीफ करा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग सेट पे कुछ ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, जैसे अलजेब्रा में कैसे ऑपरेशंस पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा आपने, तो नंबर सिस्टम में फिर आप पढ़ते हो, मैं म्यूट करो आदित्य, आदित्य म्यूट करो, तो नंबर सिस्टम में आप जो है फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ते हो, नंबर्स को जोड़ना सीखते हो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हो, नंबर्स को डिवाइड करना सीखते हो, है ना, बहुत सारा, है ना, 3 of 4 परसेंटेज सीखते हो, बहुत सारा चीज सीखते हो, जैसे आप नंबर सिस्टम में अलजेब्रा में। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने सेट के बारे में बात किया तो सेट पे क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस लग सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो सेट पे जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें क्या क्या ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उसमें क्या क्या मेनली पढ़ना है ये देखते जाओ। तो उसमें हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं यूनियन। अच्छा, एक और चीज बताया था ना, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स बताया था। तो जब दो सेट के अंदर बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो इसको बोलते इक्विवेलेंट है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है। अच्छा, अंदर का एलिमेंट अलग अलग हो सकता है, इसमें मान लो ए बी सी है, इसमें 1 2 3 है, तो दोनों में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दोनों में बराबर है, इसमें भी 3 उसमें भी, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। अगर ऑब्जेक्ट्स भी सेम हो जाए, इसमें भी ए बी सी है और इसमें भी ए बी सी है, तो फिर बोल देते कि ये दोनों सेट इक्वल है, ऐसे सेट को बोलते इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स का भी कार्डिनल नंबर बराबर होगा, कार्डिनल नंबर दोनों में इक्वल सेम आएगा, इसमें भी अगर 3 है तो इसमें भी 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक और बात, अगर सेट के अंदर ऐसा लिखा हुआ 1 2 3 और एक सेट के अंदर लिखा हुआ 2 3 1, तो ये दोनों सेट सेम सेट है, दोनों इक्वल सेट्स है, ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को पहले लिखो या 2 को पहले लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 को पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऑब्जेक्ट्स सेम होने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के, है ना, ऑर्डर से कोई फर्क सेट पे नहीं पड़ता है। तो जो सेट पे ऑपरेशन है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स किस क्या है,
इसको हम लोग सिंबल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग ए यूनियन बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मीनिंग क्या है? यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब होता है और का क्या मतलब है? और का मतलब ये होता है, देखो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो अपने पास ना दो सेट्स हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अपने पास दो सेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक सेट है 2, 4, 6, 8, ऐसे दो सेट्स हैं। और मान लो मेरे को ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है कितना होगा, तो इसमें क्या करोगे? और का मतलब होता है कि हमको वो सारे ऑब्जेक्ट्स को ए यूनियन बी में लिखना है जो या तो ए में प्रेजेंट है, या और का मतलब या बी में प्रेजेंट है। जो ए में प्रेजेंट होगा उसको भी लिख सकते हो आंसर में, जो बी में प्रेजेंट होगा उसको भी लिख सकते हो, और जो दोनों में प्रेजेंट होगा उसको तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो वन भी यहाँ पे आंसर में आएगा, टू भी आएगा। अच्छा, टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखेंगे आंसर में। फिर 3, 4, 5, 6 और 8 ये आंसर हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई गेस। क्लियर है? अब देखो इसी तरीके से एक और है ऑपरेशन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये है सिंबल इंटरसेक्शन का। अच्छा, ये यू नहीं है, देखने में लगता है यू जैसा, पर यू से थोड़ा सा अलग होता है। जितना डिफरेंस पी और रो में होता है ना, पी और रो लगता है देखने में एक जैसा, पर थोड़ा सा अलग होता है। जैसे बी और बीटा देखने में लगता है सेम, पर थोड़ा सा अलग होता है, उसी तरीके से यूनियन और यू में थोड़ा सा फर्क है। हम खुद से लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा, पर कंप्यूटर से जब वो प्रिंटेड आएगा ना, तो तुमको थोड़ा फर्क पता चलेगा यू और यूनियन के सिंबल में। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी लेते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम यहाँ पे भी लेते हैं और हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट को करने का कोशिश करते हैं, तब क्या होगा आंसर? इसी एग्जांपल के लिए अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालने का कोशिश करें तो क्या आंसर में आएगा? तो इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बताओ? ए इंटरसेक्शन बी में करना क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एंड। एंड का मतलब है कि सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट को लिखना है जो ए में भी प्रेजेंट है। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। यस सर, आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है सर। हमको ऐसे ऑब्जेक्ट को लिखना बच्चे इसमें जो ऑब्जेक्ट सेट ए में भी प्रेजेंट है और सेट बी में भी प्रेजेंट है, सिर्फ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमको लिखना है यहाँ पे। तो देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे 2 और 4 जो है सेट ए में भी प्रेजेंट है और सेट बी में भी प्रेजेंट है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम इसमें लिख सकते हैं 2 और 4 को। ये हो गया ए इंटरसेक्शन B का वैल्यू। लिखते जाओ इसको। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इसको देखो आप। ए एक सेट दिया हुआ -1, 0, 1, बी एक सेट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, सी एक सेट दिया हुआ है 1, 3, 6, और फाइंड करना है अपने को
अगर आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है और बाकी लोगों का आवाज आई थिंक सही जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाज ठीक आ रहा है सर? नहीं सर, मेरे पास भी नहीं आ रहा मतलब प्रॉपर। किसी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो चिंता नहीं करना, यूट्यूब पे वीडियो डालेगा देख लेना, पेशेंस के साथ आप क्लास अटेंड करो देखना। तो मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू निकालना है, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी अगर देखोगे तो ए यूनियन बी में सबको लिख देना, जो ए में प्रेजेंट है उसको भी, जो बी में प्रेजेंट है उसको भी, ठीक है। और उसके बाद पूरे को आप सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे, इस ए यूनियन बी को आप सी के साथ इंटरसेक्शन करोगे। तो करना क्या होगा इसमें, आप इसको ध्यान से समझना, इसमें और इसमें देखना है कि क्या क्या कॉमन है, इन दोनों सेट्स के अंदर देखना है क्या क्या कॉमन है। वन कॉमन है, थ्री कॉमन है, सिक्स भी कॉमन है। तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, वन थ्री सिक्स के बराबर। इसी में मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी पता करना कितना होगा। सो फाइव चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहो तो। सर इसमें तो कॉमन है नहीं सर, फिर स्पीकर जो है ना वो जीरो सर, इम्पटी सेट हो जाएगा सर। मेरे को हेडफोन आपका आवाज सुनने के लिए और हेडफोन से आवाज नहीं उठा रहा था आपको बोल के। इम्पटी सेट हो जाएगा सर या नल सेट? हाँ आंसर बोलो अब। नल सेट हो जाएगा सर, क्योंकि सर इसमें कॉमन है नहीं सर ए इंटरसेक्शन बी में सर। और उसके बाद जब यूनियन करेंगे तब सर 1 2 3 होगा, 1 2 6, 1 3 6। हाँ सही बात, 1 3 6। अरे बच्चा यूनियन फिर करोगे तो भी कुछ आंसर आएगा ना। यस सर। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाले आप, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे आप क्या आएगा उनका, नल सेट सर। ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है बताओ, ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप बोलोगे कुछ कॉमन नहीं आया, तो इसको फाइव से, जब कुछ भी नहीं होता है ना सेट के अंदर तो फाइव लिख देते हो उसको, माने खाली सेट है वो, या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते खाली करली ब्रैकेट से, और करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हमने, खाली करली ब्रैकेट से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर फाइव का, अच्छा इसको याद रखना नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद रखना कि अगर फाइव का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे ना तो फाइव ही आएगा, ठीक है। और फाइव का किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन लोगे तो सेट ए के बराबर होता है, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो इस फाइव का अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर करते हैं तो फाइव यूनियन सी हो गया, तो ये सी के बराबर हो जाएगा, और सी क्या था, 1 3 6 के बराबर। समझ आ गया बात, समझ आया नहीं आया बोलो? यस सर आ गया सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन इंटरसेक्शन का, उसको हम लोग समझ लेते हैं। आपने मैथ्स में ये सब पढ़ा है, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैथ्स में पढ़ा है क्लास 9 में, याद है कुछ? नहीं याद है,
नहीं सर, नहीं याद है सर। ये यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या होता है? सारा चीज नहीं, कुछ रिएक्शंस आपने पढ़ा है जो रिवर्सिबल होता है, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन पढ़ा जो रिवर्सिबल होता है नेचर में, चलो इतना डिटेल में नहीं जाता। यस सर, पढ़ा है ना? हाँ। यस सर। तो इधर से ऑपरेट किया तो बी मिल गया, और फिर बी पे ऑपरेट किया तो ए मिल गया, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, जैसे मान लो ए और बी को ऐड करेंगे या बी और ए को ऐड करेंगे तो सेम ही मिलेगा ना? यस सर। अगर ऐसा कहीं पे हो तो बोलते कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो एडिशन जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मल्टीप्लीकेशन भी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। समझ रहे बात को? अच्छा बताओ, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? नो सर। नो सर फॉलो करेगा। अच्छा, डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? नो सर नहीं करेगा ना? नो सर। तो ये तो मैं कुछ ऐसे ही एग्जांपल बता दिया, ठीक है? कम्यूटेटिव लॉ का यही मतलब है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता दिया, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को समझाने के लिए। तो यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना? यूनियन और इंटरसेक्शन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, ये दोनों सेम आंसर देगा। सही बात है ना जी? स्टेट वन यस सर, इधर लिखो, टू थ्री इधर लिखो, इससे कोई फर्क पड़ेगा जी? बताओ तो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा, वन टू थ्री। तो इसको बोलते हैं कि यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, साथ साथ इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये एक पहला प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। क्लियर है? फिर एक होता है एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, एसोसिएट का मीनिंग क्या होता है? किसी के साथ कंबाइन कर जाना, जुड़ जाना। एसोसिएट का मतलब यही होता है ना, किसी के साथ जुड़ जाना या किसी के साथ है ना कंबाइन कर जाना। तो मान लो ए प्लस बी करो और फिर सी करो, या बी और सी को एक साथ ऐड करो और उसको ए के साथ, कोई फर्क पड़ेगा जी? या ऐसा मैं लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? ये तीनों बराबर हो गया अलग अलग? सेम है सर, सेम आएगा ना? वैसे ही मान लो अगर मैं तीन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इंटू बी इंटू सी है ना, या फिर मैं लिख रहा हूँ बी इंटू सी इंटू ए या सी इंटू, ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा क्या? ए बी सी के ऑर्डर से फर्क पड़ेगा क्या? ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई चीज इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि उसके ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बोलते हैं कि वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। क्या बोलते हैं उसको? कि वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। जैसे मान लो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करे या ए यूनियन बी यूनियन सी करे, इससे कोई फर्क, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए। अच्छा, इंटरसेक्शन में भी यही बात है, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालो और फिर सी के साथ उसका इंटरसेक्शन लो, या ए का इंटरसेक्शन लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो सेम ही आएगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यूनियन और जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? आपने ये पढ़ा है, देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और बी प्लस सी, इसको क्या लिखेंगे? ए बी प्लस ए सी लिखेंगे, ऐसा
यस सर इनटू बी प्लस ए इनटू सी. तो देखो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक यहाँ पे चले गया मल्टीप्लिकेशन और एक मल्टीप्लिकेशन इसके साथ चले गया. कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है पार्ट्स में बढ़ जाना. तो एक मल्टीप्लिकेशन दो पार्ट में बढ़ गया, एक 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 जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन था, अब इसमें देख रहे हो दो जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन. तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हो गया. किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर. यहाँ प्लस आ गया. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. यहाँ कंफ्यूज नहीं करना. कई जगह ऐसा अगर ऑप्शन में पूछे कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन या एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, कंफ्यूज नहीं करना. क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? बोलो बोलो बोलो. किसके ऊपर? एडिशन के ऊपर. इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ठीक है, इस रूल को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसको ध्यान से देखते रहना. अब देखो यहाँ इंटू की जगह अगर यूनियन कर दे ऐसा, तो यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और ये जो प्लस था इसके जगह पे यहाँ इंटरसेक्शन आने ऐसा हो जाएगा. समझ रहे? तो यूनियन जो है इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, और इंटरसेक्शन भी यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. अच्छा उसमें नहीं, मल्टीप्लिकेशन सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, पर सम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है. पर सेट में यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटरसेक्शन के ऊपर, और इंटरसेक्शन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यूनियन के ऊपर. इसको लिख देंगे हम ए यूनियन बी. जैसे मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, और फिर ए यूनियन सी, और बीच में क्या आएगा? जैसे यहाँ प्लस रहता था तो प्लस लिख देते थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन. सर सर अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, यूनियन रहेगा तो यूनियन लिखेंगे. सर इंटरसेक्शन रहेगा तब तो फिर ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है. इंटरसेक्शन अगर यहाँ भी रहता और यहाँ भी रहता तब तो ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है. उसके लिए तो सिंपल एसोसिएटिव लॉ लगा लेंगे, इसके लिए ऐसा लिखने का जरूरत नहीं. और इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. समझ आ गया बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. पहले में यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन के ऊपर, और दूसरे में इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनियन के ऊपर. अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से भी दिखा देता हूँ, और फिर आपको ये मैं वेन डायग्राम जब बताऊंगा तो वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा कि ये कैसे आया है ना. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी आप फिलहाल देखो. अगर मैं बात करता हूँ सिंपल एग्जाम्पल से इसको, पहला देखो ये दोनों तो इजिली समझ में आ गया होगा, ये दोनों भी इजिली समझ में आ गया होगा. मेन रह गया ये पार्ट, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल में इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ. जैसे मान लो एक सेट लिया मैंने, वन टू कुछ भी एक सेट ले लिया, बी एक सेट ले लिया, ये मान लो टू फोर सिक्स ले लिया, और सी एक सेट ले लिया जिसमें वन सिक्स टेन और 12 ले लिया. मान लो ऐसा भी एक सेट ले लिया एग्जाम्पल के लिए. अब इसमें अगर मैं मान लो फाइंड आउट करता हूँ, सबसे पहले इसको इसको देखता हूँ, दूसरा वाला खुद से वेरीफाई करूँ. इसमें मैं लिख रहा हूँ वेरीफाई, क्वेश्चन है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन सेट के ऊपर सही
बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है उसको वेरीफाई करके देखना। तो आप क्या करोगे, LHS में आप LHS में इस क्वांटिटी को आप फाइंड आउट करोगे, ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी को हम लोग लिखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर ले हम लोग, बी इंटरसेक्शन सी को ये किसके बराबर हो जाएगा। तो बी और सी में इंटरसेक्शन अगर आप देख रहे हो तो सिक्स सिर्फ कॉमन नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा सिक्स के बराबर। और ए जो सेट है वो किसके बराबर है, वन और टू के बराबर, बीच में यूनियन लगा हुआ है, तो फाइनली आ जाएगा वन टू सिक्स के बराबर। ये LHS आ गया। अब RHS देखो, RHS में इसको लिखोगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करोगे, ए यूनियन बी किसके बराबर है ये देखो, ए और बी का अगर आप यूनियन फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा वन टू फोर सिक्स के बराबर। और अगर आप ए यूनियन सी फाइंड आउट करोगे, ए यूनियन सी इसको अगर फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा वन टू सिक्स टेन ट्वेल्व के बराबर। अब आप दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, देखो कितना आता है, देखो क्या क्या कॉमन है इसमें। तो आप देखोगे वन टू सिक्स ही यहाँ पे भी कॉमन है और उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से भी जो आंसर आया फाइनली वो क्या आया, वन टू सिक्स के बराबर। तो फर्क कहाँ पड़ा, फर्क तो नहीं पड़ा आंसर पे, लास्टली तो सेम ही आ गया। ठीक है, तो ये मैंने यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ये वेरीफाई करके दिखाया। सेकेंड वाला जो पार्ट है वो आप वेरीफाई करके दिखाओगे, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ये पार्ट मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया। और सेकेंड पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट जो है वो आप खुद से करोगे। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ये आप खुद से वेरीफाई करोगे। ठीक है, अब आपको मैं कुछ वेन डायग्राम के बारे में समझाता हूँ। थोड़ा अच्छा, लिखने के लिए तो नहीं छूट रहा है, तो लिखो लिखो। कुछ लिखने के लिए छूटेगा तो चैट बॉक्स में लिख के बताना। अब वेन डायग्राम के बारे में बात करें, तो जब हम वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले एक सेट और हम लोग डिफाइन करेंगे। इस सेट का नाम है यूनिवर्सल सेट। जब हम वेन डायग्राम डिफाइन करते हैं तो उससे पहले हम एक सेट डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। क्या होता है ये यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर बाकी सारा सेट्स आ सके। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बाकी सारे सेट्स आ जाए उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। या बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में तो एक सिस्टम होगा, है ना, एक सिस्टम होगा। जैसे मान लो हम स्टूडेंट्स का बात कर रहे हैं, टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और
बिल्डिंग के एक क्लासरूम के बारे में बात करिए, सारा कुछ, तो ये सारा कुछ कहाँ प्रेजेंट होगा कि स्कूल में, तो स्कूल को हम एक पूरा सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हो पटना के अंदर सारी चीजों का, तो पटना पूरा जो है उसको सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं, समझ आ रहा है बात। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, बेसिकली सेट है ना, विच कैन बी अज्यूम्ड एज, विच कैन बी अज्यूम्ड एज System for all the sets. System for all the सारे sets के लिए जो है ना एक system के जैसा वो काम करेगा। Basically कहने का मतलब है सारे sets उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये set किसी किसी question में दिया रहेगा या किसी किसी question में हो सकता है नहीं भी दिया रहे, तो हम उसको simply एक square से represent कर लेंगे Venn diagram। हम उसको सिंपली एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर लेंगे वेन डायग्राम में, ओके। ये मान लो आपका एक ऐसे जिसको बना दो, ये क्या है अपना, इसको यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली इसका जो सिंबल है वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं यू भी देखो ये लिखा हुआ, या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपना जो है ये हो गया एस, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये पूरा सिस्टम हो गया, इसके अंदर हम बाकी सेट्स को रखेंगे। ये हो गया मान लो सेट ए, इसके अंदर एक सेट है ये सेट ए, और इसके अंदर मान लो ये दूसरा सेट है सेट बी, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये दो सेट्स हैं, सेट्स में कुछ एरिया कॉमन हो सकता है, कॉमन ये एरिया जो है ये कॉमन एरिया है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को सर, वेरी नाइस, दोनों का कॉमन एरिया है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के कॉमन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वेन डायग्राम से एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात आपको, अच्छा ये, yes, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं कर रहा हूँ जो मैं साइड में लिखते चल रहा हूँ। कभी ऐसा भी होगा जब दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, होता है ना कभी कभी ऐसा, जब ए और बी के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा हो, तो एक होता है डिसजॉइंट से, डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल है ये, जब ए और बी के बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो, ये सिंपली फाई के बराबर हो जाए, अगर ऐसा है तो ए और बी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, A and B are said to be disjoint sets. ठीक है। अच्छा अगर मान लो disjoint sets है, तो ऐसे मान लो एक question है, example ऐसे भी है। Represent sets A and B in Venn diagram. If A intersection B is phi, या A and B are disjoint sets बोल दिया, और उसको Venn diagram के थ्रू रिप्रेजेंट करना, तो Venn diagram में आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सर तो अलग अलग बनाए, हाँ कुछ कॉमन नहीं दिखाएंगे हम वहां पे, हम सिंपली क्या बना देंगे वहां पे इस तरीके से, ठीक
दो सेट्स को ऐसे कर दिया, ये सेट ए और सेट बी हो गया, और कॉमन इसके बीच में कुछ भी नहीं है, और ये ऊपर में बाहर में ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन किसका, दो सेट्स का, जिसमें दोनों सेट्स के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है। वेन डायग्राम बहुत ही काम का चीज है। अब मैं इसमें आपको और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूँ। अब देखो वेन डायग्राम का क्या क्या काम होगा, तो धीरे धीरे आप समझोगे। एक होता है, साथ में मैं अभी आपको और भी कुछ कुछ रिप्रेजेंट करूंगा, एक और टर्म होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसका क्या मीनिंग है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मीनिंग है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब है, जैसे मान लो इसको ए ऐसा रिप्रेजेंट किया रहेगा या ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब होता है कि सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर हम बात कर रहे हैं, उस सिस्टम का सारा मटेरियल, उस सिस्टम के अंदर का सारा ऑब्जेक्ट जो ए में प्रेजेंट नहीं है, ए में जो प्रेजेंट है उसको छोड़ के जो बच गया वो सारा ए डैश में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन सेट ए। तो मान लो एग्जाम्पल में फिर एक लेते हैं, रिप्रेजेंट ए डैश या ए कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट से भी इसको बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं, या ए बार ए डैश ए कॉन्जुगेट जो बोलना है, इन वेन डायग्राम। इसको अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक ऐसा बना दिए। ठीक है, और इसके अंदर हम ड्रॉ कर देंगे एक ऐसा सर्कल। ये मान लो सेट ए है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए डैश को क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो इस सिस्टम के अंदर जो कुछ भी बच गया वो ए डैश हो गया। तो ये जो पार्ट बचा हुआ है पूरा, ये जो कुछ भी एरिया बचा हुआ है, ये आपका ए डैश हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा बात सर? ये वाला नहीं समझ में आया बच्चे। ये बोल रहा हूँ ना कि जिस सिस्टम के अंदर हम बात कर रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर ए को छोड़ के जो कुछ भी बच गया वो ए डैश हो गया, यही तो डेफिनेशन है। तो ए जो है वो ये है पूरा क्वांटिटी ए। ये जो भी देख रहे हो ना, ये पूरा क्वांटिटी ए है, ये जो क्वांटिटी देख रहे हो ये पूरा ए है। तो ए को छोड़ दो तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? ए डैश। समझ आ गया बात? यस सर, यस सर, आ गया सर। अच्छा, एक चीज और साथ साथ नोट करते जाओ, ऐसे बहुत सारा भी इम्पोर्टेंट बात नोट करते जाना। अगर मान लो मैं यूनिवर्सल सेट का किसी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करूं तो क्या कॉमन आएगा, बताओ, सोच के बताओ। पूरा का पूरा ए कॉमन आ जाएगा, जो ए का कॉमन,
पूरा का पूरा ए कॉमन आ जाएगा क्योंकि ए के अंदर ही तो ए है, ये पूरा एरिया कॉमन आ जाएगा ना, एस के अंदर तो पूरा चीज है, एस के अंदर ये है, तो ये पूरा का पूरा जो है कॉमन आ जाएगा, ए जो है वो पूरा कॉमन आ जाएगा। अच्छा, एस यूनियन ए करूंगा तो क्या आएगा? एस एस हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करो वेन डायग्राम, तो क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंट ए यूनियन बी इन वेन डायग्राम। सर इसमें सर, चलो अपने कॉपी में रिप्रेजेंट करो, मैं देखता हूँ कितने लोग का सही है, और फिर मैं ड्रॉ करूंगा मैच करना कितने लोग का सही है। रिप्रेजेंट हो गया सबका? यस सर। यस सर हो गया सर। सबका देखो क्या करेंगे, ये अगर मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी कौन सा रीजन हो जाएगा? ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो है ए यूनियन बी के अंदर आ गया, समझ आ गए ना सर? जो कॉमन रहेगा वो भी आ जाएगा सर। हाँ, जो ए ए यूनियन बी में क्या लिखे थे हम लोग, जो ए में प्रेजेंट है वो भी होगा, जो बी में प्रेजेंट है वो भी होगा, और जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट होगा उसको भी तो लिखते ही थे हम सर। यस सर। तो ये पूरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है? यस। अब देखो ये इतना मजेदार चीज है कि जो काम आप घंटों लगता करने में सिंपल वो अलजेब्रिक मेथड से, वो काम मिनटों में हो सकता है वेन डायग्राम के थ्रू, इसीलिए वेन डायग्राम सीख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला डिराइव करें, इसको समझना है। अगर दो सेट्स दिया हो, एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से समझ। अगर हमको काउंट करना है ए यूनियन बी के अंदर का नंबर, ये एन का मतलब हो गया कार्डिनल नंबर कि कितने एलिमेंट्स है ए यूनियन बी के अंदर, अगर ये काउंट करना है तो ए का काउंट कर लो कितना है, बी के अंदर काउंट कर लो कितना है, पर घटाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितना रहे। ये कहाँ से समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए।
को समझो बात को ध्यान से। फिर से मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूं। एक मैंने ऐसा वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर मान लो मैंने दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे, दो ऐसे सेट को प्लेस करते, ठीक है। ये दो सेट को ऐसे प्लेस कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको सेट ए मान लिया, इसको सेट बी मान लिया। अभी आप देखो कि अगर आप ए के अंदर काउंट करते हो तो आप इस पूरे एरिया को काउंट करते हो, इस पूरे एरिया को काउंट करोगे आप जब आप ए को काउंट करोगे तो, ठीक है। जब आप ए यूनियन बी का बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने जब ए को काउंट किया तो इस एरिया को काउंट कर लिया आपने। जब मैं लिख रहा हूँ बी, बी के अंदर जो भी है उसको जब मैं काउंट कर रहा हूँ तो मैं किस एरिया को काउंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस एरिया को काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ इस एरिया को काउंट कर रहा हूँ, समझ आ रहा बात। जब मैंने लिखा नंबर ऑफ, समझ आ रहा बात, मैं कलर सेम कर देता हूँ तो आप इसको अच्छे से काउंट कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो एक बात, ध्यान से सुनो, ये जो काउंटिंग हुआ उसमें कुछ एक्स्ट्रा काउंट दिख रहा है कि एक ही चीज को दो दो बार काउंट कर लिया गया है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिख रहा है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, आप उसको ए में, yes, ए में भी काउंट किए और बी में भी काउंट किए, गलत आएगा? yes, sir. सही आएगा, बोलो सर, गलत आएगा? नहीं सर, नहीं मालूम सर, गलत आएगा, गलत आएगा। देखो देखो आपको मैं और समझाता हूँ। मान लो एक सेट ए है वन, एक सेट है मान लो ए है वन टू और बी एक सेट है जिसमें है टू थ्री, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है। अब आप निकालो ए यूनियन बी, इसमें क्या आएगा, वन टू थ्री, टू को एक ही बार लिखना होता था। अब जब आप ए यूनियन बी में कैलकुलेट करोगे, जब आप ए यूनियन बी के अंदर काउंट करोगे कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितना ऑब्जेक्ट मिलेगा बताओ? तीन मिला, ए यूनियन बी के अंदर तीन मिला, लेकिन अगर इसको इसको ऐड करोगे तब तो चार हो जाएगा। यस सर, कुछ बात समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर, पड़ रहा है पल्ले? बोलो। यस सर, यस सर। तो ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, चार क्यों नहीं आया? क्योंकि सर हम लोग ए यूनियन बी करेंगे सर तो तीन ही आएगा ना सर। हाँ, क्यों नहीं आया? क्योंकि टू जो है उसको हम लोग दो दो बार काउंट कर रहे हैं ना इधर। यस सर, इसमें एक ही किए हैं सर। और इसमें एक ही है तो क्या करना पड़ेगा, एक जो एक्स्ट्रा बार यहाँ एक बार होना चाहिए था काउंटिंग, और काउंटिंग के दो बार तो एक बार माइनस करोगे ना जो एक्स्ट्रा काउंट हुआ था। यस सर, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। समझ गया सर, समझ आ गया? यस सर, यस, समझ आ गया सबको? तो वेन डायग्राम से देखो ये कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब इसके हम लोग को कुछ क्वेश्चंस करें। ये बड़ा पहले कंफ्यूजिंग लगता था, जब तक वेन डायग्राम नहीं समझते ये बड़ा क्वेश्चन पहले हम लोग को कंफ्यूजिंग लगता था, अरे ये कैसे करा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता था, तुम लोग को भी हो सकता पहले बार में लगे था, There are 15
प्लेयर्स इन टोटल, टोटल कितने प्लेयर्स है? 15 प्लेयर्स हैं। सिक्स ऑफ देम प्ले फुटबॉल, 10 ऑफ देम प्ले क्रिकेट। कुछ गलत लिख दिया कि सही लिखा हुआ है जी? देखिए बताओ तो गलत लिखा हुआ कि सही? सही सर, फिर टोटल तो 16 हो जाएगा। आप अपना नाम बताओ पहले। मैं आस्था। आस्था है। सबका भी मैं आवाज रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, यही कंफ्यूजन हम लोग को भी होता था, यही बात नहीं करना था। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहता था ना, सही लिखा हुआ है। हाँ सही लिखा हुआ, लिखा तो सही हुआ है ही, इसीलिए तो सही लिखा हुआ है। कैसे सही लिखा हुआ? कैसे सही है सर? तो जिनको पता होगा सेज के बारे में पढ़े होगा, तो ये हम लोग को भी कंफ्यूजन लगता था स्टार्टिंग में। अरे ये कैसे हो गया, 15 प्लेयर है, 6 फुटबॉल खेल रहा है, 10 क्रिकेट खेल रहा है, तो 16 हो गया। तो एक एक रहता ना स्कूल में कोई चालाक स्टूडेंट, थोड़ा क्लेवर स्टूडेंट, जो दोनों जगह हाथ पांव मारते रहता है ना, इधर से भी खेल लिया उधर से भी खेल लिया, है ना। तो ऐसे मान लो, समझ लो कि 4 प्लेयर है, A1, A2, A3, ठीक है। और आया कि फुटबॉल कौन कौन खेलेगा, क्रिकेट कौन कौन खेलेगा, तो ये दोनों क्या किया ना, चालाकी किया, इधर भी चले गया और ये बेचारा फुटबॉल में गया, ये क्रिकेट में गया। और ये दोनों क्या किया, ये बड़ा चालाकी वाला काम कर गया, ये दोनों जगह चले गया, इधर भी खेल लिया, टाइम अलग अलग था दोनों का, क्रिकेट और फुटबॉल का, और इधर भी खेल लिया। जब काउंटिंग हुआ कि फुटबॉल वाले प्लेयर कितने थे, तो 3 आया। फिर काउंट हुआ कि क्रिकेट में कितने लोग खेले हैं आज, तो 3 देखा गया। तो देखा जा रहा है, अरे टोटल 6 प्लेयर है और है 4 ही, ये कारनामा कैसे हो गया? फुटबॉल खेलने वाला कितना लोग है, 3, क्रिकेट खेलने वाला कितना लोग है, 4, और प्लेयर कितना है टोटल, 5, सॉरी क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर है 3, फुटबॉल खेलने वाला प्लेयर है 3, और टोटल प्लेयर इधर कितना दिया हुआ था, 4 ही, 4। ये कारनामा कैसे हो रहा है? फुटबॉल खेलने वाला 3 है, क्रिकेट कौन कितने लोग खेला वो है 3, तो टोटल 6 लोग होना चाहिए था, 4 ही क्यों है? क्योंकि इसका मतलब पक्का पक्का फिर ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट होगा, कुछ प्लेयर ऐसा होगा जो दोनों जगह दोनों तरफ खेल रहा है, तो दोनों जगह खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है। समझ आया आस्था? आस्था पूछी थी ना क्वेश्चन? यस। हाँ, तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन है जिसमें क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट प्लेयर 10 है, फुटबॉल खेलने वाले 6 हैं। इसका मतलब पक्का ऐसा है कि कुछ सेम प्लेयर है जो फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ कि क्रिकेट खेलने वाले 6 हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें से कुछ प्लेयर क्रिकेट नहीं खेल सकते। सो मैं देखो, दो वर्ड्स यूज होंगे ऐसे क्वेश्चन में, एक होगा ए सम प्लेयर प्ले फुटबॉल, और एक वर्ड होगा प्ले ओनली फुटबॉल। तो जब ओनली वर्ड आ जाएगा तो वहां पे जो फुटबॉल खेल रहा है वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, समझ रहा है? जो टी पी रहा है वो कॉफी नहीं पिएगा। पर जब तक ऐसा नहीं बोला जाए, सिर्फ रहे प्लेज प्ले फुटबॉल, तो वहां पे ऐसा मान के चलोगे कि उसके पास फ्रीडम है, वो फुटबॉल भी खेल सकता है और फुटबॉल भी खेल सकता है और क्रिकेट भी खेल सकता है, ठीक है। तो इसमें से 10 प्लेयर्स, 6 प्लेयर्स फुटबॉल खेलते हैं, 10 प्लेयर जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, देयर आर 2 प्लेयर्स हु प्लेज बोथ, हु प्ले बोथ, प्लेज प्ले बोथ, find how many of them
या थ्री प्लेयर्स को फोर फाइंड हाउ मेनी ऑफ देम पहला प्लेज नन ऑफ द गेम्स. कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें से क्रिकेट और फुटबॉल में से एक भी गेम नहीं खेल रहे हैं? कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करोगे, वेन डायग्राम बनाओगे इसके लिए. ठीक है, वेन डायग्राम बना लिया. ठीक है, वेन डायग्राम बनाएंगे अपन. इसके अंदर क्या किया, दो स्टेट्स को प्लेस करते. ठीक है, दो सेट्स को प्लेस कर दिया, सेट ए सेट बी. अच्छा, सेट ए किसको मान रहे हैं, या सेट ए सेट बी की जगह क्रिकेट और फुटबॉल कर. सी से क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर लो, एफ से मान लो फुटबॉल, एफ से फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर लो और सी से मान लो क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर. ठीक है ना. अब देखो आप यहाँ पे टोटल 15 प्लेयर्स हैं, तो एस जो है, ये जो एस है इसमें नंबर ऑफ एस 15 हो गया आपका. पूरे सिस्टम में 15 प्लेयर्स हैं, जो पूरे सिस्टम का बात कर रहे हैं उसमें टोटल 15 प्लेयर्स हैं, तो एन ऑफ एस 16 हो गया. एन ऑफ एस जो है वो 15 हो गया. ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना. ऐसे इतने लोग हैं, कितने लोग, 6 लोग जो है वो इस पूरे एरिया में, इधर भी, इधर मिला के पूरे 6 लोग. ठीक है, मैं जस्ट ऐसा समझना है इसको. और इस एरिया में, इसको मिला के इस एरिया में, ठीक है, 10 लोग हैं क्रिकेट खेलने वाले. और सिर्फ इस एरिया में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं. तो कोई ना कोई एक गेम खेलेगा, ऐसा कितना होगा सर? उसमें 4 कैसे हुए सर, जो बीच में दिया हुआ है क्वेश्चन, 4 प्लेयर दोनों खेल रहा है ना. देयर आर 4 प्लेयर्स हु प्ले बोथ फॉर द गेम, ये दिया हुआ क्वेश्चन. तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है. ठीक है, 6 प्लेयर थे टोटल फुटबॉल खेलने वाले. बच्चे ध्यान से सुनते जाना मेरी बात, टोटल 6 प्लेयर है फुटबॉल खेलने वाले, जिसमें से 4 तो इस एरिया में आ गया, तो 2 इधर बचेगा. सही है ना? और yes, क्रिकेट खेलने वाले कितने प्लेयर्स हैं? 10 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें से 4 तो बीच में आ गया, तो 6 इधर बचेगा. सही है ना? कोई कंफ्यूजन बताओ, नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? सिंपल मैथ है सर, एक बार और बताइएगा सर, नहीं समझ में. अरे बच्चे ऐसे सुनो, फुटबॉल खेलने वाले टोटल लोग कितने हैं? क्वेश्चन पढ़ो, फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं? आदित्य, फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग दिए हुए क्वेश्चन में? 6 लोग सर, 6 लोग. 6 लोग, और 4 लोग दोनों खेल रहे हैं ना, फुटबॉल और क्रिकेट. यस सर, 4 बीच में लिख दिया हमने, 4 लोग, 4 जो वो दोनों खेल रहे, तो बीच में लिख दिया. अब 6 ये पूरा टोटल है, ये पूरा टोटल 6 है, तो 2, 4 अगर इधर है तो 2 ही ना बचा इधर इस एरिया में, इस एरिया में. यस सर, बस सिंपल समझ गए. ठीक है, ऐसा होगा सिमिलरली क्रिकेट के लिए. अब देखो यहाँ से जो जो क्वेश्चन अब पूछेगा ना, फटाफट बता दो टोटल कितने स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, जो खेलने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 15 सर. एफ यूनियन सी कितना है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कितना देख रहा है, 12. वेन डायग्राम से तुरंत आ गया, और अगर वेन डायग्राम नहीं लगाते तो वेन डायग्राम में ये मेथड 1 हो गया. अगर यही दूसरे मेथड से निकालना चाहते तो फिर हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता, ये वाला, नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी.
फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग दिए हुए थे? छः। फुटबॉल खेलने वाले लोग क्वेश्चन में छः दिया हुआ है, ये दस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है चार, तो यहाँ से भी खेल रहा है। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। इफ यू मीन सी खेल एटलीस्ट वन गेम खेलने का बात करें तो 12 लोग हैं, या कोई ना कोई गेम खेलने वाला लोग 12 है, एक कम से कम एक गेम कोई खेल रहा हो ऐसा 12 लोग है। क्रिकेट या फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग है ये पूछे तो ये भी बोलेंगे 12 लोग है। क्रिकेट या फुटबॉल में से कोई एक या कोई दोनों गेम खेलने वाले कितने? 12 लोग। अब पहला क्वेश्चन है कि कितने लोग कोई भी गेम नहीं खेल रहा है, तो टोटल हमारे पास टोटल हमारे पास 15 लोग हैं और 12 लोग कुछ ना कुछ तो खेल ही रहा है, तो नहीं खेलने वाले कितने बचे? नहीं खेलने वाले कितने लोग बचे? 3 लोग। ये मेथड वन, अगर अलजेब्रिक मेथड से निकालना होता तो क्या बोलते? यहाँ ये किसका है? वेन डायग्राम। और नहीं तो ऐसे करना पड़ता, इफ यूनियन सी का डैश पूछा गया है, इफ यूनियन सी का डैश पूछा गया है, इफ यूनियन सी डैश माने क्या हुआ बताओ? इफ यूनियन सी का मतलब हो गया कि फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है ये, और डैश का मतलब क्या बता रहा था? कॉम्प्लीमेंट मतलब अकेला, सर जो दोनों नहीं खेल रहा होगा, जो दोनों नहीं खेल रहा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के, यस सर। डैश का मतलब ये को छोड़ के, इफ यूनियन सी का डैश मतलब क्या? इफ यूनियन सी को छोड़ के, माने जो फुटबॉल भी नहीं खेल रहा, जो क्रिकेट भी नहीं खेल रहा उसमें, तो इसको क्या लिखेंगे? एस माइनस एक यूनियन सी। एस में कितने लोग हैं? कितना? 15 और इधर कितने? 12। तो ये कितना हो जाता है? लेकिन इजी क्या बताओ, वेन डायग्राम या मैं ये कैलकुलेट फॉर्मूला ये सब बेल डायग्राम से? वेन डायग्राम इजी है, तो वेन डायग्राम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसमें सेकंड क्वेश्चन मान लो ऐसे दिया हुआ, इसी में सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी ऑफ देम प्लेज ओनली फुटबॉल, तो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? क्वेश्चन देगा इस तरीके से, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं? सर टू सर। फिर क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, मान लो तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया, प्ले प्ले या हाउ मेनी ऑफ देम Do not play football या do not play cricket, ऐसे पूछ दें। सर 4 सर। सर 8। नहीं रे बच्चा समझना। 4 सर, 4 सर। 5। इतना लोग 13। इतना लोग ऐसा है जो क्रिकेट नहीं खेलता है। सर 4 सर। तो 5 होगा। क्रिकेट नहीं खेलने वाले में ये पूरा एरिया आ जाएगा। 5 सर 5। हाँ, ये सब आ गया ना, ये सब बिना क्रिकेट वाला है। कैसे कैसे तुम ही सोचो कैसे? क्रिकेट नहीं खेलने का मतलब क्या? जो क्रिकेट खेल रहा है उसको छोड़ दो और बाकी सबको काउंट कर लो। सर तो 9 हो जाएगा ना? 9 होगा आंसर, 9 नहीं होगा ना, क्रिकेट खेलने वाले टोटल 10 लोग है ना, क्रिकेट खेलने वाले। सर 9 कैसे होगा? 9 नहीं होगा आंसर, 9 कौन बोल रहा है? 9 नहीं होगा बच्चा आंसर, क्रिकेट खेलने वाले। सर 4 होगा ना सर? नहीं सर 5 होगा। 5 होगा आंसर, कैसे तुम लोग देख रहे हो? एक बच्चा जो है वो। यस सर, यस। क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग नजर आ रहे हैं ये जरा हमको बताओ? 10 सर, 10। 10 नजर आ रहे हैं, तो बच गया कितना बाकी? 5 सर, 5 बच गया। 15 लोग टोटल था जिसमें 10 लोग क्रिकेट खेल रहा है, तो बचा कितना? 5 लोग। 5 लोग क्रिकेट नहीं खेलता, 5 लोग जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता, समझ आएगा? यस सर। वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है,
अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं, प्ले ओनली वन ऑफ द गेम्स, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं? एट। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं? एक गेम सिर्फ खेल रहा है, या तो सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है या सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है, ये एरिया पूछ रहा है। सर एट होगा। हाँ तो ये हो जाएगा टू प्लस एट। समझ आया? है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना टाइम बचा हुआ अभी क्लास का, 5:45 तक है क्लास में आपका, तो ज्यादा टाइम तो नहीं है। देखो बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखे, मजेदार चीज सीखे। आज हम लोग ये सारा चीज हम लोग टू सेट्स पे कर रहे हैं। अगले क्लास में सारी चीजें हम तीन सेट्स के लिए करेंगे। वेन डायग्राम यूज करना, यूनियन इंटरसेक्शन, ये सारा चीज हम लोग तीन सेट पे करेंगे। तीन सेट पे कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके, तो एक और चीज बता दूंगा। एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर आप ए यूनियन बी का डैश लेते हो तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आ जाए, और अगर आप ए डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश लेते हो तो ये ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर आ जाए। इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा, यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है? इसको याद रखना। जब पूरे का यूनियन निकाल के और उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, या फिर दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लोगे, तो यहाँ यूनियन रहेगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन रहेगा तो फिर यूनियन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको वेन डायग्राम से कैसे वेरीफाई करेंगे? इसको वेरीफाई करना है, प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम से इजी भी पड़ता है इसको, मान लो इसको प्रूव करना है वेन डायग्राम से, और इसको याद भी रखना है। इसको वेन डायग्राम यूज करके प्रूव करना। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा पहले मैं तो सेट बना दे रहा हूँ। पहले लेफ्ट हैंड को देखते हैं कि क्या है। लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे कि क्या है। समझते जाना, एक ही करके इसको समझते जाना। ठीक है? देखो जैसे मैं बना रहा हूं इसके अंदर से, ये मान लो इस तरीके से कुछ हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है? ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा आप बताओ? ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा सर? दोनों में जो जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते पहले क्या होगा, फिर देखेंगे ए यूनियन बी डैश क्या होगा। ये हो गया, ये ए सेट है, ये मान लो बी सेट, ठीक है? तो ए यूनियन बी डैश का मतलब हो गया कि ए यूनियन बी को छोड़ के, ए यूनियन बी को छोड़ के, ए यूनियन बी को छोड़ के जो हिस्सा है उसको आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को अगर हम छोड़ दें तो यही बचेगा। यस यस सर, है ना? ये हो गया ए यूनियन बी डैश का मतलब।
ये हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए यूनियन बी डैश, ये एलएचएस पार्ट हो गया। अब आरएचएस में देखो आप, ए डैश को हम रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें, यहाँ हम किसको रिप्रेजेंट करिए, ए यूनियन बी डैश। अब हम सबसे पहले ए डैश को, ए डैश को और बी डैश को रिप्रेजेंट करें, ए डैश को और बी डैश को, ए डैश को और बी डैश को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ए डैश को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी डैश को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखें। तो ए डैश को रिप्रेजेंट, ये ए और बी दो सेट इस तरीके से बना हुआ है, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ बच्चे, ए को छोड़ के, तो ये पार्ट भी आ जाएगा और ये सारा पार्ट आ जाएगा, ए को छोड़ करके जो भी एरिया वो सब ए डैश हो गया। सर जो बी कॉमन में है सर उसको नहीं ना करेंगे, नहीं नहीं उसको भी नहीं, ए को छोड़ के माने ए जहां जहां वो सब को छोड़ के, एक ए नहीं आना चाहिए, ए डैश का मतलब ये हो गया, और बी डैश का मतलब हो गया बी को छोड़ के, ठीक है ना, बी डैश का मतलब हो गया बी को छोड़ के। ये पूरा एरिया जो है वो आपका बी डैश हो गया, सही है, समझ आ गया बात, कोई कंफ्यूजन नो सर। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ए डैश बी डैश। राइट साइड को हम देख रहे हैं, यहाँ पे आरएचएस को देख रहे हैं, आरएचएस ट्राई कर रहे हैं हम कि देखते हैं क्या आता है, सेम आता है या अलग अलग आता है, और इसके बीच में आप क्या करने वाले हो, इंटरसेक्शन करने वाले हो आप इसके बीच में, क्या करने वाले हो, इंटरसेक्शन करने वाले हो इसके बीच में। तो ये किसके बराबर आएगा, ये जो है वो किसके बराबर आएगा, ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो और सोचो किसके बराबर आएगा। सर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सर ए और बी को छोड़ के जो भी बचा है वो होगा, आएगा ना वही। यस सर। देखो यहाँ पे तो इसके अंदर जो, हाँ बोलो सर, डिसजॉइंट सेट का यूनियन नहीं होता है। डिसजॉइंट सेट का यूनियन क्यों नहीं होगा, डिसजॉइंट सेट का यूनियन अगर रिंग कनेक्टेड है, क्या क्या डिसजॉइंट सारे एग्जांपल में तो डिसजॉइंट सेट का भी यूनियन होगा, क्यों नहीं होगा यूनियन। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा, इधर देखो, इधर देखो, पहले कॉमन वाला पार्ट क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट कॉमन है, देखो दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, ये पार्ट इसमें गायब है, इसमें है, ये पार्ट दोनों में ही गायब है, और ये पार्ट इसमें है तो इसमें गायब है, ठीक है। तो कॉमन क्या आया, सिर्फ कॉमन सिर्फ आया ये रीजन, ध्यान से देखो आप। तो
तो यहाँ पे भी जो है एलएच के एलएचएस के बराबर ही तो आ गया, यहाँ भी जो है एलएचएस के बराबर ही तो आ गया। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, सेम आ गए। दूसरा वाला जो है ये आप खुद से प्रूव करोगे, ये होमवर्क है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग देखेंगे बाकी रिमेनिंग। ठीक है ना, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो ना मैंने क्या बोला एग्जैक्टली? यहाँ पे, यहाँ पे जो मैं बोला yes, उसको उसको फॉलो कर पाए ना? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ इधर वाला पूरा पार्ट जो है वो कॉमन है और ये वाला पार्ट इसमें गायब है, इसमें है। ये वाला पार्ट इसमें गायब है, इसमें है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ये वाला पार्ट इसमें भी गायब है, इसमें भी गायब है तो नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। इसमें है, इसमें गायब है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। और ये वाले पार्ट का अगर मैं बात करूं तो ये दोनों में प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए और फिर बाकी जो बचा हुआ चीज है उसको हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी हो सकता भेजूंगा। एनसीईआरटी में सेट थ्योरी का जो है ना उसमें देखना, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा उसको आप करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक लिख लो, तीन सेट्स के लिए मैं पढ़ाऊंगा यही है ना, फिर थ्री सेट्स में पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम। ठीक है, और इसके बाद सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सबसेट्स के बारे में अगले क्लास। यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास सर। हाँ बोलो सर, नेक्स्ट क्लास कब होगा? रूटीन ऐसे तो ग्रुप में डाला हुआ है लेकिन मैं दोबारा डाल देता हूँ, आप देख चेक। मंडे को है नेक्स्ट क्लास सर। मैथ्स का सर रूटीन नहीं हम लोग मेरे पास, मैं ग्रुप में हुआ। यस सर, ग्रुप में अभी दोबारा पोस्ट कर देता हूँ, आप डाउनलोड करेगा डाल दे। अच्छा, आपका क्लास कल भी है? कल दूसरे सब्जेक्ट का होगा, मैथ्स का नहीं है आपका। कल केमिस्ट्री का है सर। मंडे टू फ्राइडे हर दिन क्लास है, सेम टाइम पे 4:15 से और 15 से 5:45 हर दिन क्लास है। मंडे टू सैटरडे, संडे को हो सकता है डिस्कशन लग जाए, टेस्ट लग जाए या हो सकता है छुट्टी मिल जाए। और क्लास का टाइमिंग सेम रहेगा 4:15 टू 5:45, डेढ़ घंटे की क्लास हर दिन होगी आपकी। और मंडे टू फ्राइडे हर दिन क्लास है, सब्जेक्ट्स अलग अलग होगा है ना। आज कौन दिन है? ट्यूजडे है ना, सॉरी आज थर्सडे है ना, ट्यूजडे की थर्सडे आज कल केमिस्ट्री है सर। आज कौन दिन है? थर्सडे है, थर्सडे है ना, तो थर्सडे और सैटरडे को मैथ्स होगा, थर्सडे और सैटरडे को मैथ्स होगा आपका। वैसे रूटीन में आपको डाल दूंगा आप देख सर। सैटरडे को फिजिक्स है सर। सैटरडे को फिजिक्स है? यस सर। मंडे और ट्यूजडे, मंडे और थर्सडे आपका क्लास है सर। मैथ्स मंडे और थर्सडे मैथ्स, मैं रूटीन डाल दूंगा।